हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 9:18 हो गए, काफी लेट हो गया हूँ मैं। लेट इसलिए हो गया हूँ बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा हो गया है बारिश पड़ने के बाद में। पर लेकिन यहाँ ठंडे में ना ब्लैंकेट में लेटे रहो तो वैसे ही बहुत मन लग जाता है लेटे रहो, लेकिन मेरी आदत नहीं है इसलिए मैं ज्यादा लेट नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं भागते रहो, इधर उधर घूमते रहो, कुछ ना कुछ मतलब करने को चाहिए। मैं चाहे तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूँ फिलहाल, वो कुछ करने को चाहिए होता है। तो अभी पहले ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना जो भी चीजें होंगी वो सब कर लेता हूँ। तो गाइस अभी सारे काम कर लिया मैंने, ब्रश करना तो ब्रश भी हो गया, हाथ मुंह धोना तो वो भी हो गया, और मैंने स्वेटर भी पहन लिया। सो अभी ठंडा भी नहीं लगेगा, बाहर का वेदर देखते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन वेदर तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है भाई, आज मजा आ गया। तो गाइस सुबह सुबह देखो मुझे लंगूर मिल गए देखने को, आप भी देख लो। अरे वाह, फुल मजे कर रहे हैं लंगूर, बहुत बढ़िया। नीचे आ जाओ गाइस, एक लंगूर ना छिपा हुआ बैठा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठा, यही बैठा है भाई, यही है। अरे वाह। तो गाइस आज मैं आपको बहुत खास मेहमानों से मिलाता हूँ। मेरे कहाँ है मेहमान, यहाँ हो गई मेहमान, इधर हो। एक ये है मेहमान हमारे, इनका नाम है जिसान, और इनका नाम है इस्माइल, और ये है अयान भाई। इन दोनों को तो आपने देखा होगा मेरे साथ वीडियो में बहुत पहले भी, ये अजमेर भी गए थे मेरे साथ, कई जगह में गए घूमने के लिए। ये जिसान भाई नहीं गए अभी, इनको मजे करते हैं इनके साथ में थोड़ी देर। तो मैंने काफ़ी खास मेहमानों से मिला दिया, ये मेरे तीनों भांजे हैं और एक भांजी है, दोनों सिस्टर के बच्चे हैं ये। सो अभी मुझे भूख लग रही है, तो पहले मैं दूध मंगा लेता हूँ और कुछ नाश्ते की तैयारी करता हूँ। तो अयान भाई कह रहे हैं मुझसे कि मुझे व्यू दिखा दो आसिफ भाई, आसिफ मामा सॉरी। तो इन्हें ज़रा मैं व्यू दिखा के लाता हूँ ऊपर से, पास में से लेक दिखाई देगा, तो इनको लेक दिखा देता हूँ। हाँ लेक दिखाते हैं। ये अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, आ जा आ जा नीचे आ जा, जाओ जाओ जरा जरा। नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ये देखो डिस टीवी चला रहा है भाई, ये तो बैठ के। ओ भाई ये तो टीवी चला रहा है, और ये डायरेक्शन दे रहा है, वो टीवी चला रहा है। तो आज के टाइम में मैं ही मजे नहीं कर रहा हूँ, लंगूर और बंदर भी मजे कर रहे हैं, फुल मजे कर रहे हैं। चाहोगे आयन भाई, आयन भाई क्या कहना चाहोगे? बॉटल फेंको, बॉटल फेंको, बॉटल फेंको। नहीं नहीं ये कच्चे उसमें डालो, डस्टबिन में, देखो सामने डस्टबिन। अरे डस्टबिन में डालनी थी, चल कोई नहीं जंगल है, आ जा अब आगे से डस्टबिन में डालना, ठीक है? क्या कहना चाहोगे तुम, मजा आया? क्या मजा आया, क्या करा तुमने जो मजा आया तुम्हें? कुछ भी मजा नहीं आया तुम्हें, चलो। तो आयन भाई मस्त वेदर हो गया है, धूप निकलने जैसा है ना, मजा आएगा, मस्ती करेंगे, फुल फुल एंजॉय करेंगे पूरा दिन, ठीक है? काफी थक गए दोस्त, यहाँ बैठ जाते हैं, सही है? आयन भाई भी, इस्माइल भाई भी, मैं भी, तीन लोग बैठेंगे यहाँ पर, बैठे दोनों भी बैठ गए, मैं भी बैठ जाता हूँ उनके साथ, ठीक? तो सामने ही अपने व्यू है। हाँ इससे बुखार हट जाता, तूने देखी थी वो वीडियो? अरे वाह यार तू तो बहुत बढ़िया। तो अभी गाइस हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, आयन भाई भी रेस्ट कर रहे हैं, इस्माइल भाई भी रेस्ट कर रहे हैं, मजा आ रहे हैं आयन भाई? पक्का सच्ची बात मजा आ रहे हैं ना, बोरिंग तो नहीं हो रही है? चलो मजा आ रहे हैं इन्हें भी और मुझे भी। अभी सामने व्यू है, इन दोनों बच्चों को व्यू दिखाता हूँ मैं, और यहाँ मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पैसे खर्च नहीं होंगे, हैं भाई? तो चलो व्यू देख लें फिर सामने लेक का, हैं? तूने भी देखना है? क्या देखना है? लेक। चलो इस्माइल भाई आ जाओ, मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ। तो ये कौन सी वाली घास है ये बताओ यान भाई? बुखार बुखार हट जाता ना, वही जो मैंने बताई थी परसों वीडियो में। तो ये बिच्छू घास है बेटा, इससे दूर रहना, अगर थोड़ी भी शैतानी करी, कोई भी परेशान करेगा मुझे, तो मैं दोनों का भी बिच्छू से लटका लटका के सुतान लगाऊंगा, ठीक है? देखो यहाँ से देख लो, देख दिखाई दे रहा है लेकिन कम दिखाई दे रहा है, इधर आओ। उल्लू बना दिया मैंने, आयन भाई कह रहे हैं ये बिच्छू है इससे कुछ नहीं होता, ये तो बुखार नहीं हटाती है, उल्लू बना रहे हो तुम हमें। तो यहाँ से मैंने लेक दिखा दिया इसको गोद में लेकर के आयन भाई को, अब इस्माइल भाई को भी दिखा देते हैं। ये लो तुम भी देखो सामने वो है लेक, उधर कहाँ जाना है अब, कहाँ? ऊपर। तो थोड़ा सा और ऊपर को चलते हैं फिर वापस चलेंगे नीचे, हाँ? तो आयन और इस्माइल भाई बता रहे हैं मुझे कि एक घर है यहाँ पर ऊपर, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है वो, तो वो इन्हें बहुत पसंद है, वो मुझे दिखाना चाह रहे हैं। तो घर तो देख लें कौन सा है जो आयन को पसंद है। अच्छा ये है, तो ये तो मैंने देख रखा है पहले से ही, बहुत अच्छा घर है। अच्छा ये बहुत अच्छा घर है, तो ये एक ब्रिटिश टाइम का बहुत पुराना घर है, आयन को बहुत पसंद है, तो इस घर की बात कर रहे हैं आयन भाई। काफी अच्छा बना हुआ है, मैंने भी देखा है, अंदर भी गया हूँ मैं क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। तुम भी गए हो? अच्छा आयन भाई भी गए इसके अंदर। तो घर मैंने देखा है बहुत अच्छे से, काफी अच्छा बना हुआ है, बहुत पुराना घर है लेकिन, कोटवारा लॉज नाम है इस घर का। तो अभी गाइस यहाँ पे घूम लिया हमने, तो गाइस वेदर बहुत अच्छा हो गया है आज और फुल मजे आ रहे हैं। यहाँ से लेक अच्छा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप,
चलो 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 चलो। वो जिसान भाई भी आ गए, लेकिन जिसान भाई लेट हो गए आने में, क्योंकि हम घूम कर वापस जा रहे हैं, तो आप आ रहे हैं। वो क्या हुआ, ले आए तुम दूध? चलो ठीक। एन भाई डीएसए ग्राउंड देखो, वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, तुम जाते नहीं हो फुटबॉल खेलने वहाँ? फुटबॉल नहीं है तुम्हारी? चलो मैं ला करके दूंगा तुम्हें, ठीक है? नई फुटबॉल ला दूंगा। एक फुटबॉल लाए तो थे हम, कहाँ गई वो लाल वाली? फेंक दी। अरे यार चलो नहीं ला के दे देंगे, तो वहाँ खेलने जाओगे फिर, ठीक है? तो चलो अब घर चल रहे हैं वापस। तो गाइस नाश्ता आ गया मस्त, अपना चाय और अंडे अभी फिलहाल यही खाऊंगा मैं। नाश्ता हो गया गाइस और हेयर बैंड भी लगा लिया, तो ये बच्चों के साथ मजे करने चल रहे हैं बाहर, मस्त मजे लेंगे। तो फिलहाल गाइस हम आ गए बाहर बच्चा पार्टी के पास में, वहाँ चल रहे हैं, वहाँ बैठेंगे गद्दा डाल के, ठीक है? तो फिलहाल हम अभी छत पर बैठने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर बारिश पड़नी शुरू हो गई है, तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो अब जा रहे हैं हम घर के अंदर। चलो भाई जल्दी भागो यहाँ से, भेज जाएंगे हम। तो फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ घर के अंदर, अभी बाहर बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लगी और टाटा पापड़ आवाज़ आने शुरू हो जाएंगी टीन के अंदर से। चलो तुम लोग जूते उतारो और आराम से इस पर रेस्ट कर लो बैठ के, ठीक है? कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक? तो बच्चे अब रेस्ट करेंगे मस्त। तो गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसी बारिश शुरू हो जाती है लाइट चले जाती है यहाँ की। गाइस काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है आप देखो। तो गाइस बहुत टाइम तक मैं बैठ नहीं सकता हूँ अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर चलते हैं बारिश में कहीं ना कहीं को। तो मैं आ गया हूँ गाइस घर के बाहर अभी। आरिफ भाई का फ़ोन आया मेरे पास, वो बता रहे हैं कि लेक का स्तर बहुत बढ़ गया है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया उसके अंदर, तो देख करके आता हूँ ऐसा क्या होगा, कितना ज़्यादा पानी भर गया। तो मैं आ गया हूँ गाइस ये डीएसए का जो एंट्रेंस है यहाँ पर अभी, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया एकदम यहाँ पर, देख रहे हैं आप सब बाहर के लोग हैं, अचानक से एकदम क्राउड बढ़ जाता है, बारिश में भी लोग मतलब बेचैन रहते हैं घूमने के लिए। तो फाइनल गाइस मैं पहुंच गया हूं डीएसए में, कुछ लोग यहाँ मजे कर रहे हैं फुटबॉल के, एक फुटबॉल मेरे पास आ गई है, इस पर मैं शॉट मार देता हूं। तो ये कुछ लोग यहाँ मजे कर रहे हैं, तो गाइस इसे कहते हैं जुनून, बारिश में भी लोग यहाँ फुटबॉल खेलने आ गए हैं। गाइस फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ न्यू कैपिटल सिनेमा के पास में, और यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड हो गया है बारिश के बाद, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया है नैनीताल में, बारिश में भी लोगों को बिल्कुल चैन नहीं है। मैं भी आ गया हूँ रिक्शा स्टैंड मल्लीताल में, और यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है मुझे, मतलब बारिश में मुझे समझ नहीं आ रहा, कल इतनी खतरनाक बारिश होने के बाद, रेड अलर्ट होने के बाद भी यहाँ पर इतना क्राउड हो गया। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी बोट हाउस क्लब के जस्ट नीचे, वहाँ सामने। तो गाइस ये नैनीताल का बोट हाउस क्लब है, अब मैं इसके सामने जाऊँगा, घूम के आऊँगा वहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या क्राउड है और यहाँ क्या कंडीशन हो गई है बारिश के बाद। अरे आरिफ भाई को तो भूल ही गए, हाँ आरिफ भाई तो मुझे मिल गए थे यहीं पर रिक्शा स्टैंड पर, क्योंकि आरिफ भाई भी मेरे साथ में है, कि रिक्शा स्टैंड पर ही खड़े थे, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया अभी, नैनीताल बोट हाउस क्लब। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी बोट हाउस क्लब के जस्ट बगल में, जहाँ से टिकट काउंटर भी है, यहाँ से टिकट मिलती है, लेकिन आप ये देखिए आप जल स्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है पानी का, मैं पानी में खड़ा हो गया हूँ अभी, और काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पानी भर गया इसके अंदर। कोई एक चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया लेक के पास में, ये देखो सामने जो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लैंडस्लाइड हो गया है, ये कैपिटल सिनेमा के जस्ट नीचे की तरफ को, जो मैंने कल एक रिक्शा जो खड़ा था उस रिक्शा के बगल में एक वीडियो बनाया था, ये पूरा एरिया सील किया हुआ है, जबकि मतलब ये जो बना हुआ है सामने वाला, ये पूरा सील किया हुआ है, इसमें कोई जा नहीं सकता है, लेकिन एक कोई खड़ा हुआ है गलती से, इसको मतलब उसको पता नहीं है शायद इसलिए खड़ा है, जबकि यहाँ से हट जाना चाहिए इसमें, तो इस किसी वक्त नीचे को आ सकता है, इतना एरिया यहाँ से लेकर के, यहाँ से इस जगह से लेकर के वहाँ तक। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है, और मैं चाह रहा हूँ कहीं पर ऐसी जगह खड़े हो जाऊँगा जहाँ पर थोड़ा सेफ़ हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत वैसी ख़राब चल रही है दो दिन से। आरिफ भाई थोड़ा भीग गए हैं, क्योंकि इनके पास छाता था नहीं, मेरे पास ही छाता था, मैं अपने फ़ोन को और अपने आप को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, इनको कम कर रहा हूँ। आरिफ भाई कैपिटल के सामने इतना ज़्यादा क्राउड, अरे वाह यार, मतलब बारिश में भाई साहब लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, देखो आप बारिश में भी लोग इतना परेशान हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ लोगों की जो चुलबुलियाँ हो रही हैं वो दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप इन लोगों को मतलब क्या मज़ा आ रहा है, बारिश में भीग रहे हैं और यहाँ बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन बारिश में बोटिंग का मज़ा ही अलग है। और मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि ये मैंने कल जगह दिखाई थी आपको, यहाँ से पूरा एकदम नीचे को होते जा रहा है, ध्वस्त हो जाएगा किसी दिन ये पूरा, देखो यहाँ से पूरा क्रैक हो गया ये, और किसी दिन नीचे घुस जाएगा पूरा ये,
पूरा क्रैक हो गया एकदम यहाँ से वहाँ तक का। ये देखो वहाँ से लैंडस्लाइड हो भी गया ये। ओ माय गॉड ये पूरा घुस गया गाइस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया जाएगा ये किसी दिन। ये यहाँ को पानी जा रहा है ना, ये किसी दिन अंदर पहुँचेगा। फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ न्यू कैपिटल सिनेमा के जस्ट बिल्कुल बगल में। अरे वाह मछलियाँ मिल गई भाई, मछलियाँ मिल गई। ओ गाइस वाह मस्त मछलियाँ मजे कर रही हैं। देखो लोग यहाँ पे चारा डाल रहे हैं सामने से, ये देख सकते हैं आप। और मछलियाँ देखो कितनी हैं भाई साहब। मैं आपको पास्ता दिखाता हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर इनको कुछ खाना पीना खिला रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ सबको, चाय नाश्ता करा रहे हैं मछलियों का ये लोग। गाइस मछलियों का नाश्ता चल, नाश्ता नहीं डिनर क्या हो रहा है, लंच हो रहा है इनका मछलियों का। अरे वाह इसमें तो काली नीली पीली लाल, अरे सफ़ेद भी, एक लाल भी है देखो। वाह भाई वो मज़े कर रही हैं तो ताल में। तो गाइस अभी चल रहे हैं वहाँ नीचे जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ हमेशा की तरह। अरे भाई यहाँ तो मज़ा आ रहा भाई। गाइस मैं आ गया हूँ इस तख्ती की पटली पर जहाँ पर मैं रोज़ आता हूँ हमेशा से। आप देखो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर भाई साहब, बारिश पड़ गई मर गए। अरे भाई भी फुल मज़े कर रहे हैं मेरे साथ में, काफ़ी लोग यहाँ पर। वैसे इधर फोटोग्राफी भी हो रही है, पास समझ में नहीं आ रही, लोग ये बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं पर बारिश पड़ रही है। इनको कुछ मतलब कोई जान की परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है किसी तरह का। फिलहाल गाइस यहाँ धूप निकलना शुरू हो गया, देख सकते हैं वेदर थोड़ा ठीक होने लग गया। बारिश पड़ रही थी लेकिन बारिश के बाद अभी अचानक से धूप आनी शुरू हो गई। मतलब नैनीताल के वेदर को कुछ कह नहीं सकते हैं किस टाइम पे क्या हो जाए। बारिश पड़ेगी तो कंटिन्यू पड़ते रहेगी, धूप निकलेगी तो धूप निकलते ही रहेगी। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, मतलब बारिश भी पड़ रही है धूप भी निकल रही है। ये अजब बिल्कुल, ये भी मस्ती में बिल्कुल मस्त मजे ले रहा है यहाँ का वेदर भी। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ घूम लिया हमने, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर बिताएंगे यहाँ पर तो बारिश के चक्कर में पता लगे नीचे गिर जाए। आज तो ऊपर को आ जाओ, अभी दो सेकंड पहले, सिर्फ दो सेकंड पहले बारिश पड़ रही थी, दो सेकंड में यहाँ धूप निकल गई। भाई कह रहे आरी भाई की फोटो खींचने, कोई नहीं फोटो भी खींचेंगे वीडियो भी बना देंगे इनकी हम। और एक चीज़ करके दिखाता हूँ, अभी रिक्शा में मेरे साथ में कौन, इसमें बोट चल रही है लेकिन बोट की जगह मैं रिक्शा चलाने की सोच रहा हूँ। देख में कौन कौन चलेगा कमेंट कर देना। तो गाइस मैंने रिक्शा भी चला लिया, काफ़ी मजे कर लिए यहाँ पर, बहुत मस्ती कर ली है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो आरिफ भाई जा रहे हैं कुछ काम है इनका क्योंकि हम वहाँ से मस्ती करके आ गए। तो ठीक है भाई, आरिफ भाई ओके भाई मिलेंगे फिर, मिलते हैं फिर ओके। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से डीएसए की तरफ को मस्जिद के सामने। तो मैं आ गया हूँ फिलहाल गाइस डीएसए ग्राउंड में। आप देखो यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड हो गया, काफ़ी बच्चे और बढ़ गए यहाँ पर खेलने के लिए, और यहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी हो गए। गाड़ी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा भर गई है पार्किंग में, पूरी पार्किंग भरी हुई लग रही है। तो अभी चलते हैं वहाँ सामने। पता नहीं गाइस ये क्या खुला है, द PMFME स्टोर, ये घर के जस्ट नीचे ही है मेरे, और मैं भी गया भी नहीं, नया नया खुला है लेकिन ये किसी दिन देखूंगा क्या क्या है इसके अंदर। तो मैं आ गया हूँ गाइस मस्जिद के पास और मैं जा रहा हूँ अभी सामने। मुझे यहाँ से थोड़ा सामान लेना, सामान ले करके छाता यहाँ रख दिया गाइस बाहर मैंने, यहाँ से सामान ले लेता हूँ अभी। और सामान में भी ना तो प्रिंटेड सामान है, सामान ले लिया है, फिलहाल सामान ले लिया है जो लेना था और अभी घर जा रहा हूँ मैं। तो अभी चल रहे हैं सीधे घर, यहाँ से घर से फ़ोन आया था कुछ सामान लाना है, तो मस्जिद पर जब मैं पहुँचा फिर मैं यहाँ से सामान लेने आ गया, अभी घर पहुँचने वाला हूँ बस। तो फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, अभी कुछ खा पी करके फिर तैयार होकर के आज चेल्ला में, तो चेल्ला में भी शामिल होना है, चलेंगे फिर इंशाल्लाह। ये अपनी भिंडी तैयार हो गई है गाइस, खाना तैयार हो गया हमारा, भिंडी और टमाटर की सब्जी एंड ये अचार रखा है, पानी हो गया और ये है रोटी। तो मस्त खाना हो गया, सिंपल सा खाना है और मुझे इसी तरह का खाना पसंद है, तो पहले खाना खा लेता हूँ अभी। खाना पीना हो गया गाइस मस्त। तो फिलहाल गाइस मैं हो गया हूँ तैयार और आप देखने चल रहे हैं ताजिया, जो चेल्लम का ताजिया है मस्जिद के पास पहुँच चुका होगा, तो मैं भी जा रहा हूँ मस्जिद के पास। घर के बाहर आ गया हूँ और मुझे यहाँ पर आवाज़ आ रही है ढोल बजने की, तो ताजिया में जो ढोल बजाते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बजा रहे हैं लोग, तो मैं भी जाता हूँ और देखते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं मस्जिद के सामने पहुँच गया हूँ और ये अपना DSA ग्राउंड है, काफ़ी बच्चे इसमें फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं बच्चों के यहाँ पर। अभी सामने यहाँ पर ताजिया आ गया, तो फाइनली गाइस मैं ताजिया के बहुत करीब पहुंच गया हूं और मैं यहीं पर वेट करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है ना पीछे को, वहां पर मेरे को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं यहीं पर खड़े होकर के यहां से खड़े होकर के देखूंगा।
फाइनली गाइस ज़ियारत कर लिए मोहर्रम की माशाल्लाह से। अभी चलते हैं, बारिश का मौसम भी हो गया है काफ़ी, क्या पता बारिश पड़ने लग जाए। अभी गाइस मैं घर पहुंचने वाला हूं। यहां के वेदर का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी बिगड़ जाता है कभी बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहां का वेदर तो मतलब कुछ पता ही नहीं लगता। हे गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। घर में मुझे एक दो ऐसे काम है जो अभी मुझे कुछ टीन वीन को थोड़ा सा निकालना है पीछे की साइड से, तो उनको मतलब थोड़ा गंदा वंदा हो रहा है तो उसको थोड़ा ठीक करना है, तो वो करूँगा। और उसके बाद फिर एडिटिंग करनी है, काफ़ी काम करना है। हालांकि मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास, बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा जो मुझे घर का काम करना है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।